हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा है कि पल्सर में साइड इंडिकेटर सेंसर कहाँ पे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर की कमेंट थी कि साइड इंडिकेटर सेंसर पे वीडियो बनाओ, तो इसीलिए स्पेशली उनके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये है हमारा पल्सर 180 UG4 और साइड इंडिकेटर सेंसर सिर्फ UG3 और UG4 में ही आते हैं, UG4.5 में भी नहीं आते हैं और लेटेस्ट पल्सर में नहीं आते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि जो भी UG4 और UG3 है उसमें बॉडी कंट्रोल यूनिट आता है, जो लेटेस्ट पल्सर में नहीं आता, 4.5 में भी नहीं आता है। और ये सारी स्विचेस होती है वो सेंसर पे चलती है, कॉन्टैक्ट पे नहीं चलती है। ऐसी रेगुलर स्विच है, कॉन्टैक्ट पे चलती है। ऑन करने पे दो वायर का कॉन्टैक्ट होता है और ऑफ करने पे दो वायर का कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है, लेकिन ये सारी स्विचें सेंसर पे चलती है। तो इसमें भी दो सेंसर होते हैं इंडिकेटर स्विच के लिए। UG3 और UG4 के इंडिकेटर पुश कैंसिल नहीं होते, ऐसे ये दब नहीं सकते। उसके बाद कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए UG4.5 में से बॉडी कंट्रोल यूनिट निकाल दिया और ये सेंसर वाली स्विचें भी निकाल दी। दोस्तों, ये प्लास्टिक के कवर के अंदर छोटा सा मैग्नेट है जो कि मैंने निकाल दिया था स्पेशली वीडियो के लिए, मैंने फिर से लगा दिया। और यहाँ पे है सेंसर, शायद यहाँ से आपको नहीं दिख पाएगा, ये छोटा सा सेंसर है। तो ये सेंसर ये डिटेक्ट करता है कि अगर हम टर्न ले रहे हैं और टर्न पूरा करने के बाद ऑटोमेटिकली साइड इंडिकेटर बंद हो जाता है। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। अभी हमारा हैंडल स्ट्रेट पोजीशन पे है, हमने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन किया है। अब हमने लेफ्ट को किया, लेफ्ट टर्न ले लिया। टर्न लेने के बाद जब भी हमने स्टीयरिंग को सीधा किया, ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर बंद हो गया है। ये फीचर सिर्फ UG3 में और UG4 में ही आते हैं, नए पल्सर में नहीं आते हैं। और इसको ऑफ करने का दूसरा तरीका भी ये है कि अगर हमने लेफ्ट इंडिकेटर चालू किया तो ऑफ़ करना है, तो राइट साइड करेंगे तो भी बंद हो जाएगा, या फिर कुछ 2-3 मिनट का टाइमर होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो इसके इंडिकेटर ये तीन तरीके से बंद होते हैं और ये फीचर सिर्फ UG3 और UG4 में ही होता है, लेटेस्ट में नहीं होता है। तो ये है इंडिकेटर का सेंसर और मैग्नेट। अगर आपको ये ऑटोमेटिक ऑफ वाली सिस्टम बंद कर देनी है और वायरिंग को छेड़ना नहीं है, तो ये दो 8 mm वाले बोल्ट को खोल के ये मैग्नेट को निकाल सकते हैं। मुझे भी ये चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने भी निकाल दिया था, सिर्फ वीडियो को बनाने के लिए लगाया है। अब मैं आपको मैग्नेट को खोल के भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये है इसका मैग्नेट, देखिए ये प्लास्टिक के कवर में छोटा सा मैग्नेट है मिंडा का, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, देखिए कहीं पे भी आराम से चिपक जाएगा। और यहाँ पे इसका सेंसर है,
अगर आपका ऑटोमेटिक ऑफ वाला फीचर काम नहीं कर रहा है तो शायद यह सेंसर आपका टूटा हुआ होगा, या फिर इसका वायर टूटा हुआ होगा, या फिर यह मैग्नेट निकल गया होगा। अभी मैंने मैग्नेट को निकाल दिया है तो सेंसर को पता नहीं चलेगा मैग्नेट कहाँ पे है और स्टीयरिंग की पोजीशन क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिकेटर कैसे चलते हैं। अभी मैंने इंडिकेटर ऑन किया है राइट साइड का और स्टीयरिंग कैसे भी घुमाओ ये बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। तो अगर आपको ऑटोमेटिक इंडिकेटर ऑफ फीचर पसंद नहीं है तो आप ये मैग्नेट निकाल सकते हो। तो इस तरह से आज आपने देखा कि UG3 और UG4 पल्सर में ऑटोमेटिक इंडिकेटर ऑफ कैसे होते हैं और इंडिकेटर का सेंसर कैसे काम करता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।